माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत ही देखिए हमारा जो दूसरा प्लान है ये है व्याख्यान कौशल का। क्या है व्याख्यान कौशल? इसमें दिनांक, कक्षा, वही, विषय, उपविषय और प्रकरण, कालांश और समयावधि। इसी प्रकार से देखिए हमने जैसे पहले टॉपिक बनाया था इसी इसी को आप पकड़ सकते हैं, इसमें वही टॉपिक रख सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान क्योंकि छात्र बौद्ध धर्म के विषय में बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ शिक्षण का उद्देश्य क्या? छात्रों में व्याख्यान कौशल का विकास करना, व्याख्या का। तो देख लेते हैं इसमें गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हमारा क्या है बिंदु है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। देखिए बुद्ध ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया बुद्ध ने। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। देखिए तीसरा जो हमें प्रश्न करना है, देखिए गौतम बुद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न करना है, तो आप इसमें व्याख्या करके बताएंगे आप छात्रों को। देखिए जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। शुद्धोदन शक्य गणराज्य के राजा थे। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय व गंभीर स्वभाव के थे। इनके पिता ने इनका मन सांसारिक बातों में लगाने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन मन नहीं लगा। 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर ये निकल पड़े और सन्यासी बन गए। तो इस प्रकार से देखिए हमने व्याख्या कर दिया, छात्र शिक्षक की इसकी व्याख्या करेगा। इसके बाद हमें चौथा प्रश्न क्या करना है, जो हमने व्याख्या की इसी में से हमें इसमें प्रश्न बनाना है। देखिए देखिए जैसे बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो यशोधरा के साथ हुआ बुद्ध का विवाह। इसके बाद हमें पांचों प्रश्न भी इसी में से बनाना है जो व्याख्या की थी। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। तो इस प्रकार से देखिए हमारे दो लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं माइक्रो टीचिंग के।